नमस्ते बच्चों, अभी हमारे आधे ही टॉपिक हुए थे। अब हम अगले जो टॉपिक्स हैं वो इनके बारे में समझेंगे। इसमें अपन ने देख लिया था अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, रासायनिक गुण और उदासीनीकरण अभी किया। इनके बारे में हम लास्ट टाइम समझ चुके हैं। अब हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है, पीएच स्केल क्या है। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं पीएच स्केल से। ये जो पीएच स्केल होती है इसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं लिगेंड कितना अम्लीय होता है, कितना क्षारीय होता है। ठीक है, ये 1 से 14 तक वैल्यू होती है इस स्केल में। इसमें जो 7 होता है, 7 होता है उदासीन के लिए। जैसे जल है, जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उदासीन होता है यानी ना तो वो अम्लीय है और ना ही वो क्षारीय है। जल कैसा होता है, उदासीन होता है। यदि वैल्यू 7 से कम आती है पीएच स्केल में तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, अम्लीय। 7 से अगर कम है तो वो क्या है, अम्लीय। ठीक है, और 7 से अगर ज़्यादा है तो वो कैसी होती है, क्षारीय। आप जानते हैं साबुन वगैरह इनका पीएच मान जो होता है वो 7 से बहुत ज़्यादा होता है, 12-13 के समथिंग होता है, ये क्षारीय होते हैं। और जैसे हम लोग सिट्रिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप एप्पल खाते हैं, संतरा खाते हैं, ये सब में क्या होता है, अम्ल होता है। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 7 से कम होती है, इसलिए वो किसके अंतर्गत आते हैं, अम्लीय के अंतर्गत। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो स्केल है वो वैज्ञानिक सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी, और इसमें H+ आयन की सांद्रता के आधार पर पहचाना जाता है। किसके आधार पर, आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप ये लिखेंगे, H+ आयन की सांद्रता के आधार पर ये पता लगाया जाता है कि विलयन कितना अम्लीय होता है या विलयन कितना क्षारीय होता है। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सोरेनसन ने एक स्केल प्रस्तुत की जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, 7 से कम है अम्लीय, 7 से ज्यादा है क्षारीय, और अगर 7 पे है तो वो क्या है, उदासीन, और उदासीन कौन है, हमारा जल। ओके, तो ये अपना टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो किसी को चोट लग जाती है, कोई गिर जाता है, आपने सुना होगा कि प्लास्टर चढ़ गया है उसको। ठीक है, तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी है, ये किस तरह से बनता है उसको देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण होता है वो जिप्सम से होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, ये है क्या, जिप्सम। ओके, जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो यहाँ पर हमने जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो CaSO4 यहाँ पर कितने जल के अणु हैं, 2। 2 में से आधा जल का अणु रह जाएगा, मात्र कितना, आधा, आधा जुड़ा है, बाकी कितना निकल गया, 1.5 जल का अणु। तो 1.5 जल का अणु क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, 1.5 जल का जो अणु होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और सिर्फ मात्र हाफ जल का जो अणु होगा वो आपका CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट से जुड़ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, आप हिंदी यही लिखेंगे। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर 1.5 जल का अणु मुक्त हो जाता है और आधा जल का अणु जो है कैल्शियम सल्फेट से जुड़ा रहता है, इसको ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, इसका जो यूज होता है खिलौने बनाने में होता है। ठीक है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, दांत के जो सांचे होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर लोग, दांत का सांचा बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, और जो हड्डी टूट जाती है उसका प्लास्टर करने के लिए तो इसका उपयोग किया ही जाता है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब अपना है क्लोरो क्षार अभिक्रिया। देखिए अपन क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया में, चलिए देखें। यहाँ पर क्या है, NaCl की का जलीय अपघटन करना होता है, कैसे, हम जल, जल का सूत्र H2O होता है। ठीक है, जो NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड, नमक भी कहते हैं जिसको, लवण है ये, सोडियम क्लोराइड की का जलीय अपघटन कराने पर, जलीय अपघटन कराने पर क्या मुक्त हो, क्लोरीन, Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन यदि मुक्त होता है
और क्लोरीन निकल गया, दो एन ए दो ओ एच, आपको यहाँ दिख रहे हैं दो ओ एच है और दो ही अपने पास में क्या है एन ए, तो यहाँ पर अपना क्या बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए ओ एच जो कि एक क्षार है, एन ए ओ एच बन गया। सी एल कितने थे अपने पास में दो, वो भी निकल गए। अब अपने पास क्या बच रहे हैं दो हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन अपने यहाँ निकल जाएंगे। ओके, तो ये जो अभिक्रिया है आपको डेफिनेशन के रूप में क्या लिखना होगा, जब सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मुक्त होता है, साथ में ये क्लोरीन गैस जो मुक्त हो रही है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या रखा गया है क्लोर क्षार अभिक्रिया। दिख रहा है आपको क्या है नाम, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें हमको क्लोरीन मिल रहा है तो ये तो क्लोर हो गया और ये क्या है आपका एनएच क्षार, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है क्षार, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्लोर क्षार अभिक्रिया रखा गया है। तो ये आपको डेफिनेशन के रूप में क्या लिखना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन कराने पर क्षार बनता है और उसके साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है, इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं धावन सोडा क्या है। चलिए, धावन सोडा नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, धावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडा। ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जो क्लास थी उसमें ये समझाया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। धावन सोडा ये हम बनाएंगे खाने के सोडे से। ठीक है, तो खाने का जो सोडा होता है इसका सूत्र क्या होता है NaHCO3, खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, जब हम इसको गर्म करेंगे ये हमको कितने चाहिए पड़ेंगे दो, ध्यान से देखिएगा दो, मैंने सिर्फ खाने के सोडा लिया है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो Na भी अपने पास में दो है, H भी अपने पास में दो है, C भी अपने पास में, ये सबके लिए दो यूज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले Na मैंने कितने ले लिए दो, Na दो, Na का काम खत्म। ठीक है, अब अपने पास में HCO3 ये भी दो दो है, HCO3 भी दो है और मतलब मैंने इन्हें दो बार लिख लिया। ठीक है, Na2 के साथ में मैंने एक CO3 यहाँ पर छोड़ दिया, आ रहा होगा आपको समझ में। देखिए Na तो दो थे वो मैंने यहाँ लिख दिए, अब अपने पास में HCO3 भी कितने हैं दो हैं, शुरू में दो लग रहा है तो मैंने वो अलग से लिख लिया और आपको क्या बता रही हूँ मैं सिर्फ एक CO3 जोड़ रही हूँ, CO3। ओके, अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर देखिए CO3 में से एक O के साथ में कितने तीन O हैं, इनमें से एक O जो रहेगा वो मैं दो H के साथ में जोड़ दूंगी, H2O। ठीक है, CO3 में से एक O मैंने H2 के साथ में जोड़ दिया तो अपना जल निकल गया। अब तीन में से एक जोड़ा है मैंने, कितना बचा एक, दो ऑक्सीजन और बच रहे, एक निकल गया था तो कितने बच रहे तीन में से एक गए तो दो, तो यहाँ पर अपना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। समझ में आ गया, Na2CO3। देखिए सोडियम कार्बोनेट है इसका नाम, लेकिन अभी धावन सोडा नहीं बना है, धावन सोडा भी बनेगा मैं बताऊंगी कैसे, अभी अपना सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बना है। ठीक है, तो खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो देखिए Na कितने थे अपने पास में दो, तो शुरू में दो लिख दिया, HCO3 भी अपने पास में दो है तो मैंने दो बार लिखा। ठीक है, एक बार और देख लें HCO3 ये कितनी बार लिखा मैंने दो बार, इसमें से एक CO3 जो है मैंने Na2 के साथ में जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर O के साथ में कितने हैं ऑक्सीजन है तीन, इनमें से मैंने एक ऑक्सीजन निकाल लिया और वो मैंने H2 के साथ में इनके साथ में वो एक O जोड़ दिया तो अपना H2O निकल गया और यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम हो गया तो कितने बचे हैं दो, तो ये CO2, ये CO2 गैस यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से अपना सोडियम कार्बोनेट बना है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर देखें आप, ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसके साथ में हमको 10 जल के अणु जोड़ने पड़ेंगे, कितने 10 जल के अणु। जब ये 10 जल के अणु इसके साथ क्रिया कर लेंगे, यानी आप जैसे सर्फ होता है उसमें पानी डालते हैं तभी तो कपड़े आप धो पाते हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 10 जल के अणु जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा धावन सोडा। इस धावन सोडे का उपयोग आप सबसे पहले तो किस में करते हैं, कपड़े की सफाई में करते हैं, कपड़े साफ किए जाते हैं, दूसरी चीज आप जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, रोगाणु मुक्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये अपना धावन सोडा हो गया। लास्ट टॉपिक अपना क्या है, खाने का सोडा। ठीक है, इसके बाद अपना ये टॉपिक फिनिश हो जाएंगे, अगली क्लास में हम नए टॉपिक समझेंगे।
चलिए देखें, धावन सोडा, नहीं सॉरी, खाने का सोडा, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, जो कि बेकिंग पाउडर है ना, बेकिंग पाउडर और टार्टरिक अम्ल से मिलकर बनता है। चलिए देखें, अपन यहाँ पर हमको क्या लेना है, नमक, इसके साथ में हमको जल लेना है। ओके, नमक लिया, जल लिया, और नमक लिया, जल लिया, CO2 लिया, ठीक है, और हमको लेनी है अमोनिया। नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। जब हम इनकी आपस में क्रिया कराएंगे तो आप देखें यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक एच इससे ले लिया और सी एल ले लिया, ठीक है। तो अपना एन एच तीन तो थे, एक एच मैंने इससे लिया तो कितने हो गए एच, तीन और एक चार, ठीक है। मैंने सिर्फ एक एच लिया है, दो में से एक एच अभी छोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ से सी एल, अमोनियम क्लोराइड निकाल लिया सबसे पहले, अब जो बच रहा है उसे जोड़ दो, यहाँ पर एन ए, ठीक है, और यहाँ पर क्या है एन ए सी ओ थ्री, एन ए एक एच बच रहा है, एन ए लिखा अपन ने, यहाँ पर मैंने दो में से कितना एच लिया था, एक लिया था, एक बच रहा है तो यहाँ पर एच हो गया, और यहाँ पर ये जो ओ है यहाँ पर जोड़ दो सी, वो दो थे, एक और जुड़ गया तो कितने हो गए तीन, और ये जो बना है ये भी हमारा क्या होता है, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेकिंग पाउडर बनता है खाने का सोडा। देखेंगे एक बार, और नमक H2O CO2 NH3 लिया हमने, NH3 एक दो में से मैंने एक H और इसमें जोड़ दिया तो NH4 हो गया, और एक Cl NH4 Cl लिख दिया। अब इसके बाद Na है, एक H और बचा था वो लिख दिया, और CO2 तो था ही, एक O और जोड़ दिया तो दो और एक कितने हो गए तीन, तो NaH CO3। ओके, तो ये अपना बेकिंग सोडा बन गया। इसका उपयोग काय काय में करते हैं, सबसे पहली चीज है इसका उपयोग अपन लोग केक बनाने में, ठीक है, और भी जो भी चीज़ें होती हैं जैसे खमन, ढोकला, इन सब में भी किया जा सकता है, और जो भोजन मतलब बेकिंग की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें हम इसका यूज़ करते ही हैं। दूसरा, खाना जल्दी अगर हमें पकाना है तो भी हम खाने का सोडा उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारी ये है कि एंटा एसिड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। एंटा एसिड मीन्स जब हमको एसिडिटी होती है या हमारे शरीर में भोजन अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए भी एंटा एसिड के रूप में हम खाने के सोडे को यूज़ करते हैं, जिससे कि एसिडिटी घट जाती है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे यूज़ हैं, तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, ये फिनिश करते हैं, अब अगला टॉपिक हम अगली क्लास में